आज जिससे बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आपकी मुलाकात कराने जा रही है वो वर्तमान में BCCI लेवल 1 के अंपायर भी हैं, सह BDCA के संयुक्त सचिव भी हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इन शख्स से मिलाने जा रहा हूं मैं आपको, राजेश्वर सिंह सर से, जो कि BCCI लेवल 1 के अंपायर हैं, सह बोकारो BDCA क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं, जिन पे सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार शुभम जी, कि आपने आज मुझे अवसर दिया कुछ बोलने का। सर सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि सर पे पीछे अभी महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने उनके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कुछ ऊंच नीच किया है। साथ में एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया सर कि जहां पे यह बताया गया कि इन्होंने हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो आज एक नाम है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी ऊंच नीच किया था। अब क्या सच्चाई है, आइए मिलते हैं राजेश्वर सिंह सर से और जानते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? ऐसा है कि कुछ दिनों पहले मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि एक महिला ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने उनके बच्चे का प्रमाण पत्र जबरदस्ती बनवा दिया गलत तरीके से। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कुछ टिप्पणी की है। तो सबसे मैं तो इन सभी बातों को खारिज करता हूँ एक सिरे से। और दूसरी बात है कि जो हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कप्तान रहते हुए भारतीय टीम को सभी फॉर्मेट में विश्व चैम्पियन बनाया और झारखंड को एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाई, वैसे शख्सियत के बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि ओछी मानसिकता का परिचायक है। हम लोग तो ऐसे बयान के बारे में सोचना तो दूर, बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं। और रहा उनके बच्चे का प्रमाण पत्र का आरोप, तो मैं बता दूं कि ये वाकया वर्ष 2019 का है और 2019 के पहले 2018 में इनके बच्चे का रांची में ABP मैंने एज वेरीफिकेशन जो प्रोसेस है जो BCCI की ओर से आयोजित है उनमें इनका बच्चा शामिल हुआ था। और जो भी बच्चा इस प्रोसेस में शामिल होता है, शामिल होने के पूर्व एक फॉर्मेट भरना होता है जिसमें पूरा विवरण बच्चे का देना होता है। उसमें बच्चे अपने अभिभावक के साथ जाते हैं और पूरा फॉर्मेट भरते हैं जो कि BCCI चला जाता है। 2019 में जब बोकारो जिला क्रिकेट टीम अंडर 16 का गठन होना था तो इनके पुत्र ने भी अपना सारा कागजात जमा किया। उस कागजात और इनके परफॉर्मेंस देखते इनका बच्चे का चयन बोकारो जिला क्रिकेट टीम के लिए हुआ। अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में इनके बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी बदौलत इनका टीम चयन जो है इनके बच्चे का झारखंड राज्य अंडर 16 टीम के लिए हुआ। जब टीम में ये चयनित हुए तो झारखंड राज्य ने इन सभी बच्चों का, जो भी झारखंड टीम के लिए चयनित हुए थे, उन सभी का कागजात रजिस्ट्रेशन के लिए BCCI भेजा, जो कि प्रोटोकॉल भेजा जाता है। वहाँ भेजने के उपरांत BCCI ने जब जांच किया तो पाया कि जो एज वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय इन्होंने जो अपने बच्चे का उम्र प्रमाण पत्र वहाँ अंकित किया था और इस प्रमाण पत्र में दोनों में भिन्नता थी, इसके आधार पर इनको इनके बच्चे को अंडर 16 झारखंड टीम से बाहर होना पड़ा। ये 4 साल पूर्व का मामला है। यदि इनके बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ था तो उसी समय इनको अब मीडिया के सामने आना चाहिए था। सर मीडिया से आने के बाद इससे पहले भी एक बात जहन में आती है, जो कि मीडिया में जाना है या प्रशासन के पास जाना है, उससे पहले आपसे कोई बात हुई थी कि मेरे बच्चे के साथ ये गलत हुआ या ऐसा कुछ इस नहीं, संदर्भ में या बर्थ सर्टिफिकेट के संदर्भ में? ऐसा सूचना वहाँ से झारखंड राज्य से आई कि बोकारो के एक लड़का का 2 जन्म प्रमाण पत्र पाया गया जिसके आधार पर टीम से बाहर हो गया है। तो इसके बाद हम लोग उनके अभिभावक को इंटीमेट कर दिए कि इस तरह की बात है, 2 प्रमाण पत्र के वजह से आपका बच्चा बाहर हो गया। उसके बाद इस विषय पर किसी प्रकार की बातें नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि यदि अभी आपने आरोप लगाया तो यदि आपके बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ था तो उसी समय इमीडिएट आपको सबके सामने आना चाहिए था। क्या परिस्थिति हुई अभी कि 4 साल के बाद इस आरोप के साथ आना पड़ा, किस विशेष परिस्थिति थी, किस
के तहत आप आए, आपकी मंशा क्या थी, इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन सभी बातों का जिन्हें उन्होंने आरोप लगाया है उस उक्त महिला ने, इन सब सभी बातों की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, आज दशकों से भी ज़्यादा हो गए होंगे आपको इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, और साथ ही साथ सैकड़ों बच्चों के उज्जवल भविष्य को आपने बनते हुए भी देखा होगा। तो क्या सर, भूतकाल में भी हम जब देखते हैं तो ऐसे कोई आरोप आप पे कभी या किसी ने भी किसी तरीके? नहीं, इससे पहले कभी नहीं। मैं तो लगभग क्रिकेट की सेवा में अपना क्लब भी एक संचालक के रूप में या अधिकारी के रूप में क्रिकेट में, बोकारो क्रिकेट में मैं लगभग 20-25 साल तो गुजार चुका हूँ, और आज तक मुझे नोट ए सिंगल कभी कोई आरोप मेरे ऊपर आज तक नहीं आया। जहाँ हम देखते हैं सर, यहाँ पे आज जिस पद पे हैं आप, संयुक्त सचिव एवं सर BCCI लेवल 1 के अंपायर, तो आपके कंधे पे काफ़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ आपको उनके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए काफ़ी सोचना है, और वैसे में ऐसे आरोप जब आपके ऊपर लगते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बहुत बुरा लगता है कि इतना समय और इतना ईमानदारी पूर्वक काम करने के बावजूद भी कोई आरोप इस तरह का लगता है तो कुछ ठेस तो लगती है कि भाई कोई अभिभावक ऐसे गलत बयानबाजी कैसे कर सकता है, नहीं करना चाहिए। इससे क्रिकेट की छवि धूमिल होती है और काफ़ी दाग लगता है क्रिकेट में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हम देखें, अगर हमारे राज्य की बात करें या क्रिकेट संघ की बात करें, भारत में आज कहीं ना कहीं बच्चों को टैलेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पिछड़ना पड़ रहा है। राजनीति कहीं ना कहीं तो देखने को मिलती ही है, अगर हम कितना भी सुधार दें सर, कहीं ना कहीं हम राजनीति ज़रूर देखते हैं। उसका फलस्वरूप यह होता है कि बच्चा जो आज काबिल था वो नहीं बढ़ पाया। तो वैसे में भी अगर ऐसे आरोप आते हैं, अगर देखा जाए तो लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जो उससे भी तो तुलनात्मक कर लेते हैं, तो वहाँ तक भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, बोकारो ज़िला क्रिकेट का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ पूरी पारदर्शिता है। हम लोग हर फॉर्मेट का टूर्नामेंट कराते हैं और 2-3 राउंड के बाद बच्चे शॉर्टलिस्ट होते होते अंततः सेलेक्ट किए जाते हैं। उन सभी बच्चों का प्रमाण पत्र ऑनलाइन इस बार भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और ये तो GSC के ऐप में भी सब बच्चों का प्लेयर सभी खिलाड़ियों का नाम है, कोई भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ बोकारो जिला क्रिकेट की टीम का गठन होता है। जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आरोप प्रत्यारोप से घबराना नहीं चाहिए, क्रिकेट को पूरी ईमानदारी से और अपने चीज़ खेलना चाहिए और अपना काम करते चलना है। हम लोग तो लगे हुए हैं खिलाड़ियों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए। हम लोग उनके विरुद्ध कहीं कोई आज तक ना काम किए ना भविष्य में करेंगे। बोकारो क्रिकेट का अभी तो मैं बता दूं कि अभी इस वर्ष इस सीजन में सीनियर बोकारो की जो टीम है SP बोधनवाला में चैंपियन हुई है महिला। हाँ, सबको बधाई, बोकारो के सभी लोगों के लिए फख्र की बात है। महिला सीनियर टीम वो भी चैंपियन हुई है। Under-14 में हम लोग रनर्स अप रहे हैं, Under-19 में हम लोग सेमीफाइनल खेले हैं, और 16 अभी हम लोग लीग मैच तक रह पाए हैं। ये इस बार का परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस से देखा जा सकता है कि बोकारो जिला के सभी फॉर्मिंग की टीमें बहुत ही अच्छा कर रही है। इसमें सारा योगदान हमारे बच्चों का है, कड़ी मेहनत से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका। काबिल बच्चे खेल रहे हैं तभी? सभी है, जो भी परफॉर्मेंस के आधार पर टीम सेलेक्ट होता है, ये पूरा खुला किताब है, पारदर्शिता पूरी की तरह बरती जाती है। और सर, आरोप की बात करें फिर से जाने से पहले, तो आप अपने आरोपों को क्या मानते हैं? मैं मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को मैं एक सिरे से पहले भी बोल चुका हूँ, बिना तथ्यहीन है, आधारहीन है, किसी न किसी बदले की भावना से लगाया गया ये आरोप। प्रमाण भी? कोई प्रमाण नहीं है, अगर कोई प्रमाण हो तो लोग प्रस्तुत करें। आप अभी मिले राजेश्वर सिंह सर से, जिन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत साबित किया और कहा है अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप हमें साबित करें और दिखाएं। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।